नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। यहाँ पे हमारे साथ एक एजुकेटेड जो है गर्ल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एम ए बी एड हैं ये, डेरा से सौदा में आ रहे हैं। एजुकेटेड होने के बावजूद जानते हैं कि क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्या मिलता है इनको यहाँ पे आने। क्या नाम है आपका? बिंदर कर। कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं? लगभग 20-25 साल हो गए। और कितना विश्वास है गुरु जी पे आप? बहुत। क्या मिलता है आपको यहाँ पे आने से? सुकून। क्या सिखाते हैं गुरुजी? गुरुजी अच्छे काम करना सिखाते हैं जो भी है, और अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाते हैं, और हमें तो सब कुछ गुरुजी ने दिया है। कौन कौन से मानवता भलाई के काम डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जाते हैं? बहुत से हैं, जैसे सफाई महाअभियान हो गया, और बेसहारों के लिए जो घर वगैरह या कह सकते हैं कपड़े वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है डेरा सच्चा सौदा के द्वारा। जो मूवीज़ गुरुजी ने बनाई हैं, क्या दिखाया गया है उनमें? उनमें यही समाज के रिलेटेड जो भी है, और उनमें सच्चाई दिखाई गई है जो अब तक क्या हमें जो हमें आगे आने वाला फ्यूचर है गुरुजी ने हमें वो दिखाया है उस मूवीज़ में। जो गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। कह सकते हैं ना हम 0.2% भी सच्चाई नहीं है उनमें। जो मीडिया में गुरुजी के बारे में और डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाया जा रहा है उस पर कितना विश्वास करते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही जो पता ही है हमारे गुरुजी सच्चे हैं और झूठ बोल रहे हैं वो मीडिया वाले हैं जो भी हैं। और क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को वापस भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार जो है एजुकेटेड गर्ल्स हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा में आने वाली हमारे साथ जुड़ रही हैं, यही बयान दे रही हैं कि यहाँ पे अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं है। जो भी उन्होंने देखा यहाँ पे अच्छी शिक्षा जो है इनको दी जाती है, सिर्फ मानवता भलाई के काम इनको सिखाए जाते हैं। आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।